नमस्कार दोस्तों, फिल्मी सफर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल का सबसे बड़ा गद्दार कहे जाने के कुछ दिन बाद अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को अब उन पर पलटवार किया है। शनिवार को राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ भाजपा के रोड शो में हिस्सा लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस पर मिथुन चक्रवर्ती ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। रायगंज में एक रैली में ममता बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती जी पर अपने बेटे को बचाने के लिए आरएसएस कार्यालय में सिर झुकाने का आरोप लगाया था। आपको याद हो कि 2014 में तृणमूल में मिथुन चक्रवर्ती साहब शामिल हुए थे, लेकिन अभिनेता ने 2016 में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वहां से इस्तीफा दे दिया था और कुछ साल बाद वे भाजपा के करीब आ गए। भाजपा के करीब आने के बाद धीरे धीरे वे भाजपा में शामिल भी हो गए और अब उनके लिए जमकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिग्गज अभिनेता पर ऐसे समय पर हमला किया है जब वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। श्री मिथुन चक्रवर्ती भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। शनिवार को उन्होंने श्री मजूमदार के लिए प्रचार किया जो दक्षिण दिनाजपुर जिले की बलूरघाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ मुंडी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वह किसी के खिलाफ टिप्पणी जो उनके खिलाफ है वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ बातों को रखते हुए सामने आए। उन्होंने कहा, क्या वे मवेशी तस्करी में शामिल नहीं हैं? क्या वे रेत तस्करी में शामिल नहीं हैं? क्या वे नौकरियों में भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं? अब ऐसी पार्टी का उम्मीदवार आपके लिए कैसे काम करेगा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये तय आपको करना है। मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें देशद्रोह करार दिए जाने पर उन्होंने कहा, मैं देशद्रोही या कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा कि जनता किसे अपना हीरो मानेंगी। फिलहाल अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और मिथुन चक्रवर्ती का यह जवाब शायद ममता जी के लिए एक नया आरोप लेकर आएगा। मिलेंगे नए वीडियो में।